वार्निंग है ये, वर्ल्ड वाइड वार्निंग, कि अगर आपका भाई कर रहा है शादी तो अपने कपड़े पहले ही अलग सेटल कर ले, वरना गरम गरम धुआंधार चाय सर्दी में और उसके साथ ब्रेड पकौड़ा, इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अकेले अकेले सही है, ऐसे मज़े रोज़ चाहिए, मोटा हो जाएगा, पतला है भी तो इस पतले को ऐसे मज़े रोज़ नहीं चाहिए क्योंकि वो मोटा हो जाएगा। जब से इसकी शादी हुई है भाई, मैं तो हो गया हूँ परेशान। हर हफ्ते मेरे सामान को मुझे ऐसे फैला के फिर समेटना पड़ता है। आज मुझसे बिना पूछे मेरी अलमीरा हथिया ली गई है, और मेरे पास जो मेरी लंबी चौड़ी एक अलमीरा थी उसकी जगह ये दे दिया गया है, अलमीरा का बेटा। अब इसके अंदर मुझे अपने सामान को करना है सेटल, और मेरा सामान सारा पड़ा है फैला। भाई किससे पूछ के अलमारी ली तूने? नो गया, नो आया, नो ले आया। परमिशन कहाँ है? कार्ड दिखा। कार्ड तो ना आया, तूने वो लिया था ई पास, कोई पास ना लिया, कुछ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने का। केजरीवाल नहीं लिया मैंने। आ रहा है, अच्छी बात नहीं, केजरीवाल आ रहा तो क्या हो गया, उनके पीछे मोदी जी भी तो आ रहे हैं। Later. सो नाउ फाइनली इट इज डन। और अगर आप में से किसी के भी भाई की हो रही है शादी, सो भाई साहब उसके साथ कपड़े आप पहले से ही रखना कर ले अलग, क्योंकि जब आपको आदत हो जाती है ना कि कपड़े आप लोग एक साथ रखते हैं, सब सेटल रहता है, और उसके बाद जब एकदम आपके सारे कपड़े आपके मुंह पे मार दिए जाते हैं तो होती है बहुत प्रॉब्लम। तो मैं और अतुल शेयर करते थे अपनी अलमीरा, और अब मुझे रखना था सारा सामान इस छोटू सी अलमीरा में। सो इस छोटू सी अलमीरा को मैंने कैसे किया मैनेज, पूरा दिन मेरा लग गया उसी में, और थोड़ा बहुत रूम में चेंजेस किए हल्के फुल्के से। सो वो था, बट मेजरली जो था आज था वो ये छोटू को ठीक करने का काम था। तो ये छोटू हुआ है ठीक या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ रेयर कैमरा से, बट फिर मैं बोलूँगा वार्निंग है ये, वर्ल्ड वाइड वार्निंग, कि अगर आपका भाई कर रहा है शादी तो अपने कपड़े पहले ही अलग सेटल कर ले, वरना बाद में हुई बहुत दिक्कत और पूरा पूरा दिन निकल जाएगा आपका। तो चलो देखते हैं अलमीरा, करते हैं आगे बात। सो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इस छोटू को आज किया मैनेज। तो यहाँ पे मुझे लगभग मिले थे 3.5 पार्टीशंस। सो उन पे मैंने किया है किस तरह से काम, तो देखिए ऊपर मैंने रखे अपने सारे वूलन्स और जैकेट्स, और अगर नीचे आते हैं तो मैंने यहाँ कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली अपनी सारी जीन्स कर ली हैं सेटल। तो ये सारी जीन्स मेरी वापस आ गई थी, और यहाँ पर मैंने सभी जो है अपनी पैंट्स को कर लिया है कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैनेज। इधर मैंने अपने स्वेटर्स वगैरह रख लिए हैं इसके साथ। नीचे ये मेरे सारे चेक्स के जो शर्ट्स हैं, सो ये सारे चेक्स मेरे यहाँ रखे हैं। और अगर ये मैं हटा करके दिखाऊँ तो पीछे मेरे जो है स्ट्राइप्स हैं वो सब रखे हैं मैंने। सो यहाँ चेक्स और इधर आपको स्ट्राइप्स देखने को मिल जाएंगे पीछे ये सारे। और अगर बात करते हैं इसके नीचे वाले जो है हमारे पार्टीशन की, तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने जो कुछ कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली अपने टी शर्ट्स और शर्ट्स को किया है मैनेज। सो ये है, इसके अलावा यहाँ पे जो रेड कलर के मेरे पास हैं वो सारे शर्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे कुछ जो है टी शर्ट्स हैं और कुछ मेरे जो है जिम वेयर्स हैं। और अगर आप पीछे देख सकें तो पीछे भी 2 से 3 पाइल्स हैं जिसमें मैंने अपने शर्ट्स को अरेंज किया है। तो मैंने बेसिकली कोशिश ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली रखूँ, जिससे कि मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तो मैं आपको एक पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हो जाएंगी मेरी जीन्स, ऊपर जैकेट्स। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ मेरी शर्ट्स हैं सारी जो कि मैंने मैनेज करी है चेक्स स्ट्राइप्स के अकॉर्डिंगली। नीचे मेरे कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंगली मेरे सारे जो टी शर्ट्स हैं वो हैं अरेंज्ड। सो आज का दिन था, इनको दिया मैंने। और अगर बात करते हैं कि छोटू के ऊपर कुछ सामान है, तो हाँ जी बिल्कुल कुछ सामान है। यहाँ पर ये मेरा ब्लेंडर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा वेइंग स्केल है जो जब मैं खाना वगैरह जब डाइट करता हूँ तो मैं तोल कर खाता हूँ, तो ये सारे तोलने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरा ये कुछ जो है जब मैं सीख रहा था 3D एनिमेशन, तो यहाँ पर मेरा कुछ आर्ट वर्क है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये टेबल मैंने फिर से अरेंज कर ली है, यहाँ मेरा पेन स्टैंड है, साथ में ये मेरा इलेक्ट्रिक कैटल है, और ये मेरा बेड जो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ये ऊपर एक मैंने लाइट लगाया था जिसको मैं रात को नाइट बल्ब की तरह भी यूज़ कर लेता हूँ।
और मैंने साथ ही अरेंज किया है अपना ये ऑफिस टेबल भी। यहाँ मैंने अपनी सारी बुक्स डायरीज वगैरह जो है मतलब डिक्शनरीज वगैरह को रख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक था मेरे पास स्पेस, यहाँ मेरे सारे आर्ट से रिलेटेड जितना मैं काम करता हूँ पेंटिंग वगैरह, तो यहाँ सारे कलर्स और एवरीथिंग। ये मेरा कैमरा और हेडफोन्स यहाँ पर है। नीचे कुछ वायर्स हैं और कुछ बुक्स हैं जो मैं कभी पढ़ता हूँ। ये मेरा ऑफिस टेबल सेटअप हो गया था और आज फिलहाल मैंने अभी इतना ही किया है यहाँ पर इस इन टेबल्स के साथ, बाकी मेजरली इस छोटू को हमने ठीक किया है। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा इसका, ये सारा जो है हमने अरेंजमेंट किया है वो। जैसे फाइनली अभी मैंने कर लिया अपने दिन का अंत, मतलब ये सारे कामों का अंत, तो अब मेरा जो है ऑफिशियल काम शुरू होगा, यानी कि आज हमें करना है लॉग इन। लॉग इन करने से पहले मैं जल्दी से नहा धो लेता हूँ, अपने ऊपर से मिट्टी हिट्टी झाड़ लेता हूँ, कपड़े बदल लेता हूँ, क्योंकि यू हैव टू फील गुड व्हेन यू वर्क, सो आई गेट रेडी टू गेट वर्किंग। और उसके बाद मैं ये वीडियो करता हूँ एडिट और आप लोगों के साथ करता हूँ शेयर। और आज नहीं पर जल्दी ही हम लोग करेंगे कुछ बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन भी। हम जो भी सेलिब्रेट करेंगे वो करेंगे रिकॉर्ड और आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। तो अभी मैं जाता हूँ नहाता हूँ और उसके बाद आके मिलता हूँ आप लोगों से ऑनलाइन। हेलो, आज मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक सवाल, और सवाल ये है कि क्या आप लोगों को कुछ फर्क नजर आ रहा है इस वीडियो की लाइटिंग में? पीछे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि वीडियो की लाइटिंग पर हमें करना चाहिए थोड़ा सा काम, तो आज मैंने थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ लगा करके अपने कमरे को किया है थोड़ा सा ज्यादा रोशन, जिससे ही कमरे के किसी भी कोने में मैं जाऊं तो मैं एकदम चमचमाता रहूं और लगूं एकदम चमको साबुन से नहाया हुआ इंसान। तो देखिए ये मेरा एक कॉर्नर है, यहाँ पर भी लाइटिंग थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, और अगर मैं दूसरे कोने में मूव होता हूँ तो यहाँ भी लाइटिंग जो है पहले से बेटर है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो कि मैं अभी अपने लाइव स्क्रीन पर देखते हुए बोल रहा हूँ, और एक ये कॉर्नर जहाँ पर मुझे लग रहा है ये लाइटिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट। आप लोगों को कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है इस रूम की लाइटिंग में, अब आप हमसे कर सकते हैं शेयर, बिकॉज इवेंचुअली वो लोग आप हैं जो अपना है जो सजेशन देंगे, क्योंकि जिन्हें ये वीडियो देखना है और उन्हें बताना है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। और चलिए लाइटिंग की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के फन फैक्ट के बारे में। जो फन फैक्ट है आज का वो बड़ा फनी है, बिकॉज हमने जनरली सुना है लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं, हमारी बेटी तो बचपन से ही बहुत समझदार थी, और बहुत बार हम इन लड़कों ने इसकी जो है बात को सुना भी है और बहुत डांट भी खाई है कि हमारी बेटी इतनी समझदार है तुम पता नहीं ऐसे क्यों हो। भाई साहब, अगर आपने भी हमारी तरह सुना है कि बेटियां बहुत समझदार हैं, बेटियों के पास बहुत दिमाग है और आप भी कुछ सीखें करें बेटियों जैसा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बिकॉज ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्योंकि जब हम लोग बड़े होते हैं, यानी कि हम और हमारी जो है लेडी काउंटर पार्ट, तो जो लड़कियों का जो ब्रेन होता है वो लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से होता है डेवलप। इसलिए ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट तेज़ होगी तो भाई वो समझदार भी हमसे ज़्यादा होंगी। इसमें आपकी मेरी और किसी भी लौंडे की गलती नहीं, बिकॉज ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और अगर हमारे घर में किसी को भी हमारी इस जो बात की कोई शिकायत है, भाई वो शिकायत हमारे लिए मत लेकर आए, वो शिकायत लेकर जाए भगवान के पास, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा ही बनाया है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है हमारे ब्रेन को डेवलप करने में। इस वजह से आप लोगों की बेटियाँ होती हैं हम लड़कों से ज़्यादा समझदार। और एक बात और, अगर मेरी तरह आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया हो कि आपकी बहन, बीवी, माँ या कोई और दोस्त जिसको बहुत ज़्यादा कलर्स दिखते हैं आपसे, आपको दिखता है एक ब्लू और वो बताती है ब्लू में अलग अलग शेड्स, आपको दिखता है एक रेड वो बताती है नहीं ये रेड नहीं है ये रोज रेड है या ये कोई और रेड है, वो भी आपकी गलती नहीं, बिकॉज लड़कियों की आंखें जो है वो हम लड़कों से बहुत गुना ज्यादा जो है कलर्स के शेड्स देख सकती हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही कह सकते हैं भाई साहब। हमें दिखते हैं सिर्फ वो 6 बेसिक कलर्स, मगर लड़कियां उन कलर्स के हजारों लाखों शेड्स देख सकती हैं, उनकी आंखें बनी हैं इस तरह से, तो उनके मेगापिक्सल्स शायद हमारे मेगापिक्सल्स से बेटर है। आज के इस फन फैक्ट के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बाय बाय।